हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में। मैं हूँ शशांक, आपका दोस्त है टेक्निकल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपनी स्म्यूल ऐप जो है, सिंगिंग कैरियोके ऐप है, इसको आप कैसे लॉग आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि लॉग आउट का इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है, आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके होंगे अपनी प्रोफाइल में जाके। आप वैसे क्योंकि ज़्यादातर जो है अपनी प्रोफाइल में जाके आप सेटिंग्स में जाते थे, तो सेटिंग्स के अंदर में ये ऑप्शन होना चाहिए और वैसे ये ऑप्शन दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया लॉग आउट का। सब परेशान हो रहे हैं कि कैसे हम इसको लॉग आउट करें, क्योंकि एक बार हमने इसमें बना तो लिया है और सपोज़ हमें किसी और आईडी से इसको लॉग इन करना है, या हम चाहते हैं कि इसको हम लॉग आउट करके फिर इस ऐप को डिलीट करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप लॉग आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि लॉग आउट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, इसके लिए आपको करना ये होगा, आपको जाना होगा अपनी मोबाइल सेटिंग्स में। मोबाइल सेटिंग्स में जाने के बाद में इंस्टॉल ऐप में जाइए, इंस्टॉल ऐप में, या आपके अगर मोबाइल जो है एमआई का नहीं, कोई और ऐप मोबाइल है आपका, तो उसमें आपकी कुछ सेटिंग्स अलग होंगी, जिसमें कि इंस्टॉल ऐप में आपको जाना है। इंस्टॉल ऐप में जाने के बाद में आपको जो है डाउनलोडेड ऐप में, अगर एमआई यूज़ कर रहे हैं तो डाउनलोडेड ऐप में क्लिक करना है। और अगर आप सपोज इंस्टॉल ऐप करने के बाद आपकी पूरी ऐप्स खुल जाती है, तो उसमें जाके आपको अपना स्म्यूल ढूंढना है। स्म्यूल ऐप को आपको सर्च करना है और उसको सर्च करने के बाद में उसको जो है ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ क्लियर डेटा। क्लियर डीटी पर आप क्लिक कर दीजिए, क्लियर डेटा पे, और ओके पे प्रेस कर दीजिए। आपका जो डेटा है, इसका जो ऐप का जितना भी डेटा है, वो ऑलरेडी अब यहाँ से जो है ऐप से हटा दिया गया है। इसका मतलब जो है आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट आप उस अपने ऐप से हो चुके हो। अब इसके बाद में अगर आप वापस से उस ऐप को लॉन्च करते हो, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको फिर से अकाउंट क्रिएट करना है, या आपसे पूछ रहा है कि इज दिस यू, आपकी ईमेल आईडी पूछ रहा है। इसको आप जो है नो कर दीजिए, और नो करने के बाद में आपको दिखाएगा फेसबुक, गूगल और फ़ोन नंबर। आपका फिर से वही पेज खुल चुका है जिसमें आपको लॉग इन करना होगा फिर से। तो लॉग इन करने के लिए आपने जैसे पिछली बार लॉग इन किया था, वैसे ही लॉग इन कर लें। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपने अभी लॉग इन करने के बाद में, अगर आपने ईमेल आईडी से लॉग इन करने के बाद में अपना पासवर्ड नहीं डाला था, तो पहले पासवर्ड डाल लें, उसके बाद में ये सारी प्रोसेस करें। थैंक यू दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ और कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं स्म्यूल ऐप से या किसी अदर ऐप से, तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए टेक बिला में, स्टे रॉक।